दोस्तों, अगर आप भी सीआईडी शो देखना पसंद करते हैं और आपको एसीपी सीआईडी के जो एसीपी हैं प्रद्युमन साहब वो पसंद है, तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एपीएम पिक्सेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड कलर का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, बिकॉज हमारे चैनल पे आपको क्रिकेट, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड से जुड़ी सारी ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप सबको एक खुशखबरी जो है वो सबसे पहले सुना दूँ कि सीआईडी का जो शो है जो कि कुछ महीने पहले बंद हो गया था वो बहुत ही जल्द आने वाला है वापस सोनी टेलीविजन पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी सीआईडी के फैन हैं तो जल्दी से ठोक दीजिए लाइक इस वीडियो को, बिकॉज आप लोगों का जो फेवरेट शो है वो बहुत ही जल्द टीवी पर वापस आने वाला है। और शो में हमको जो सीआईडी के एसीपी हैं प्रद्युमन, उनके साथ साथ दया और इंस्पेक्टर अभिजीत भी देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी समय से लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। इन ये लोग जो है किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो दोस्तों, ये तो हो गया खुशखबरी, लेकिन दोस्तों पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया में एक न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो सीआईडी के एसपी प्रद्युमन है उनका कार एक्सीडेंट पर मौत हो गया है। दोस्तों ये जो न्यूज़ है, ये सुनने के बाद मैंने अपने तरफ से काफ़ी रिसर्च किया इंटरनेट पर, काफ़ी सारे यूट्यूब पर वीडियोज़ भी देखे, और जो दोस्तों मुझे जो सच्चाई जो है वो पता चला वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों सच्चाई ये है कि सीआईडी के जो एसपी प्रद्युमन है उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। इस चीज़ को बेकार में ही सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है, वो पूरी तरह से ठीक है और अपने जो सीआईडी की शूटिंग है उसमें बिजी है, और बहुत ही जल्द हमको सीआईडी का जो शो है वो देखने को मिलेगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँच गया होगा। तो मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।